सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 103 और 104। ये दोनों प्रश्न एक ही तरह के हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों प्रश्न जो है वो समान वृत्त वाला है और दोनों में एक आंतरिक और बाह्य स्पर्श रेखा खींचनी है। इसी तरह से मैं आपको आगे सिलेबस करवाता जाऊंगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था चापों के विषय में, मैंने आपको चापों के जितने भी कोण है वो एक साथ करवाए थे। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, दो समान वृत्तों की बाह्य स्पर्श रेखा खींचो। इससे पहले हमने सिंगल वृत्त के प्रश्न किए थे, अब आपके दोनों दो वृत्त है, अब सिंगल से डबल हो गया है, दो वृत्त और दोनों वृत्त समान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं। आप वृत्त भी सीधे ले सकते हैं, पर वो वृत्त फिर आपके कई बार टेढ़े हो सकती है लाइनें। तो आप पहले एक रेखा ले लीजिए और ये रेखा डॉटेड आएगी। बस तो आपको वृत्त पूछे गए तो आप पहले वृत्त भी ले सकते हैं, पर मैं इसलिए रेखा लेने के लिए कह रहा हूँ कि बाद में हमने इनके केंद्र मिला नहीं है, हम पहले इनके केंद्र ले लेते हैं। ये ए और ये बी आ गया, इससे हमारे वृत्त सीधे एक ही लाइन पे बनेंगे। और हमने यहाँ पे जैसे मैंने प्रकार खोल दी है और मैं यहाँ पे वृत्त लगा रहा हूँ, उतना ही वृत्त में ए पॉइंट पे भी लगा दूंगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जितना वृत्त यहाँ लगा था उतना ही है। तो समान वृत्त है और समान वृत्त की हमने आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है। सबसे पहले हम जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ए पर भी और बी पर भी। इसी तरह से हम ए पॉइंट पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हम इनको मिला देते हैं। और जहां पे ये वृत्त की परिधि को काट रहे हैं, ये पॉइंट आपका आ जाता है सी, ये पॉइंट आपका आता है डी। हमने सी और डी को आपस में मिला दिया। ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न नंबर आपका है 103। ये आपका इस तरह से समान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा बन के तैयार। अगला आपका है प्रश्न नंबर 104, दो समान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो। पहले आपने क्या था, दो समान वृत्तों की बाह्य स्पर्श रेखा, अब अगला है दो समान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा। तो आपने उसमें भी सबसे पहले दो वृत्त लेने हैं। मैं पहले ए बी रेखा लेने के लिए सजेस्ट करूंगा, आप सीधे दो वृत्त भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पहले ए बी रेखा ले लीजिए, इनके केंद्र पहले ही ले लीजिए, इससे आपके वृत्त जो है वो सीधी एक लाइन पे बनेंगे। ये मैं ए केंद्र ले लेता हूँ और ये बी केंद्र मैंने ले लिए है, और मैं यहाँ पे दो वृत्त बना देता हूँ एक बराबर। जितनी मैंने प्रकार खोल दी है इतनी ही प्रकार मैं ए वृत्त पे भी खोलूँ, ए पॉइंट पे भी खोलूँगा, इतना ही बड़ा मैं ये मैंने वृत्त लगा दिया है बी पे। इसी तरह से मैं ए पे भी वृत्त लगाऊंगा, ये आप देख सकते हैं इतना ही मैंने वृत्त लगाया जितना बी पे, तो ये समान वृत्त है। इसलिए मैंने कहा था कि आप पहले इनके केंद्र ले लीजिए। अब हमने क्या करना है, जो आपका ये रेखा आ गई है ए बी, इसका आपने संधिभाजन करना है। आपको मैंने संधिभाजन बताया है, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के दोनों बिंदुओं से आप चापे लगाइए, जहां कटेंगी इसको आप मिला दीजिए।
और जहाँ पे ये संधि भाजन का केंद्र आ रहा है ये पॉइंट आपका आ जाता है सी पॉइंट आ जाता है। अब आपने क्या करना है, बी और सी, ये जो आपकी रेखा बी और सी, इसका भी आपने संधि भाजन करना है। जो ए बी का आधा हमने किया था उसका भी आप संधि भाजन करें, और आप दोनों साइड भी संधि भाजन कर सकते हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। आप एक ही साइड भी कर सकते हैं, दोनों साइड भी कर सकते हैं। ये मैंने संधि भाजन कर दिया है, ये पॉइंट आपका गया है ओ। अब आपने ओ पर प्रकार करनी है और सी या बी जितनी प्रकार खोलनी है, सी जितनी या बी जितनी प्रकार खोल करके आपने यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना देना है। अर्धवृत्त लगा देता हूँ। अर्धवृत्त की जो परिधि है ये आपकी चाप है, यहाँ कट रही है, इस वृत्त को काट रही है, ये पॉइंट आपका आता है डी। अब आपने क्या करना है, डी और बी को आपने डॉटेड मिला देना, ये मैंने मिला दिया। अब इसी के समानांतर रेखा, या तो आप यहाँ से इसी के समानांतर रेखा ऐसे खींच दो, यहाँ पे बी और डी के समानांतर रेखा खींच दो ऐसे, ये मैं खींच के बता देता हूँ आपको इस तरह से। और ये पॉइंट आपका आता है ई। ये आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी रेखा है ए और सी, इसका संधि भाजन कर दो, जहां पे आएगा वहां से नीचे को ऐसे वृत्त लगा दो, आपका अर्धवृत्त लगाओ, अर्धवृत्त यहीं पे कटेगा, यहां पे कटेगा। और यदि आप ऐसे कटेगा फिर आपने ए और ई को मिला दो, यदि आपने ऐसा नहीं करना है तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं, जैसा आपकी बुक में भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, ई और डी को आपस में मिला देना है, और ये आपके दो समान वृत्तों की आंतरिक स्पर्श रेखा, ये अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, पहले वाला आपका था बाह्य स्पर्श रेखा का था। दो प्रश्न आपके समांतर वृत्तों के आंतरिक स्पर्श रेखा और बाह्य स्पर्श रेखा के हैं। ये आपका 104 प्रश्न नंबर है, और ये आपका बनकर तैयार हो गया। आप स्क्रीन में भी इसको देख सकते हैं।